दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2019 के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो चीजें थंबनेल में मेंशन किया हुआ है। पहला जो है आज के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रभात न्यूज़पेपर का पेपर कटिंग है और दूसरा जो है यहाँ पे बक्सर जिला का नया रोस्टर डाउनलोड करें ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है। और हालांकि ये जो है नया रोस्टर नहीं है, पुराना वाला जो मैंने बक्सर जिला के रिगार्डिंग अपडेट आपको दिया था वही वाला रोस्टर है, लेकिन ये जो है बढ़िया क्वालिटी में अपलोड किया गया है। पिछला वाला जो पीडीएफ था उसमें दिक्कत ये था कि 34 पेजेस का पीडीएफ केवल 1 MB में अपलोड किया गया था, जिसके कारण यहाँ पे जो वो पीडीएफ था ब्लर हो गया था, धुंधला हो गया था और सभी चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किया और वहाँ के जो DEO हैं वहाँ पर भी शिकायत की गई, जिसके बाद में यहाँ पे नया रोस्टर वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। बढ़िया क्वालिटी में उस PDF को अपलोड कर दिया गया है स्कैन करने के बाद में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ये देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे पहला थंबनेल में लिखा हुआ है कि झारखंड और UP के लोग भी बनेंगे सरकारी स्कूल में शिक्षक, तो ऐसा पेपर कटिंग है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बक्सर जिला का जो नया रोस्टर है उसे हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये है बक्सर जिला का, और जो देख सकते हैं यहाँ पे ये टीचर नियोजन वैकेंसी के नाम से रोस्टर अपलोड किया गया है 12 अक्टूबर के डेटेड में, लेकिन ये जो है कल शाम के आसपास अपलोड किया गया है, ठीक है। डेट यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया जा सकता है। और यहाँ पे 9 MB का PDF जो है अब अपलोड कर दिया गया है, यानी हाई क्वालिटी में HD में यहाँ पे जो PDF है अपलोड कर दिया गया है। तो इस PDF को डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसे पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस PDF में आपको क्लियरली सभी चीज़ें नज़र आएंगी। और पिछले वीडियो में मैं यहाँ पे अच्छे से आप सभी को नहीं बता पाया था इसके बारे में, तो यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उर्दू है 6 से 8 तक का, यहाँ पे 6 से 8 तक का उर्दू सब्जेक्ट का रोस्टर है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, फिर यहाँ पे नियोजन इकाई का नाम है और टोटल वैकेंसीज दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इसे कैटेगरी वाइज सभी डिटेल दिया गया है। और देखिए यहाँ पे रोस्टर का पॉइंट भी मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो बक्सर का नियोजन इकाई है यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी है और ये जो सभी वैकेंसी है रोस्टर पॉइंट 24 से लेकर 37 के बीच में है, ये आपको रोस्टर का पॉइंट भी सभी का दे दिया गया है। तो यहाँ पे बात करें डायरेक्टली तो उर्दू सब्जेक्ट में 6 से 8 तक का यहाँ पे 42 शिक्षक का यहाँ पे पोस्ट है। आगे बढ़िएगा तो ये जो रोस्टर है 1 से 5 तक का यहाँ पे उर्दू टीचर का है, ठीक है। तो 1 से 5 तक के उर्दू टीचर में यहाँ पे ये 5 यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज है। और नीचे जाइएगा तो आपको 1 से 5 तक का उर्दू शिक्षक का यहाँ पे वैकेंसी भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये नियोजन इकाई का नाम दिया गया है और टोटल इसमें 286 पोस्ट है। फिर और नीचे जाने पे 1 से 5 तक का उर्दू शिक्षक का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 9 है। ब्लॉक ये बक्सर का ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे डुमराव ब्लॉक में टोटल 8 पोस्ट है 1 से 5 तक उर्दू शिक्षक का। और फिर नीचे जाने पे 1 से 5 तक के ब्लॉक जो इटराही ब्लॉक है यहाँ पे 22 पोस्ट है। तो ऐसे ही आपको ब्लॉक वाइज सभी रोस्टर दे दिया गया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और नीचे जाने पर उर्दू शिक्षक के बाद में सामान्य शिक्षक भी इसमें है। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है सामान्य शिक्षक का वैकेंसी, जनरल शिक्षक 1 से 5 तक का। देखिए यहाँ पे ये है डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 52 पोस्ट है यहाँ का। और नीचे जाने पर यहाँ पे देखिएगा तो 1 से 5 तक जनरल शिक्षक में 636 पोस्ट है और ये यहाँ पे सभी नियोजन इकाई का नाम भी दे दिया गया है, ठीक है। और नीचे जाने पर यहाँ पे ब्लॉक बक्सर में टोटल 1 से 5 तक के जनरल शिक्षक का 43 पोस्ट है, ठीक है। तो एक जगह पे टोटल दिया गया है यहाँ पे और उसके बाद में देखिए यहाँ पे टोटल 636 है और उसके बाद में ब्लॉक वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दे दिया गया है। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा 6 से 8 तक का सभी शिक्षक का भी दे दिया गया है। नीचे जाने पर दिखाते हैं आपको 6 से 8 तक का क्या क्या वैकेंसी है इसमें। तो देखिए यहाँ पे नीचे आएगा तो 6 से 8 तक का वैकेंसी स्टार्ट होता है पेज नंबर 26 से, तो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये संस्कृत का पोस्ट है, संस्कृत में 48 पोस्ट है 6 से 8 तक के लिए। फिर 6 से 8 तक के हिंदी की सब्जेक्ट का 43 पोस्ट है और 6 से 8 तक का इंग्लिश सब्जेक्ट का 1 पोस्ट है केवल। और यहाँ पे 6 से 8 तक के इंग्लिश में ही यहाँ पे 34 पोस्ट है, तो ये यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक और अलग अलग नियोजन इकाइयों का है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं सोशल साइंस में टोटल 4 ही पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और सोशल साइंस में सभी जिले में ये स्थिति खराब ही नज़र आता है। और यहाँ पे देखिए टोटल 37 पोस्ट है यहाँ का इन सभी नियोजन इकाइयों का। और नीचे जाने पर आपको टोटल 8 पोस्ट मिलता है आप मैथ और साइंस का, और थोड़ा सा नीचे जाने पर मैथ और साइंस का 157 पोस्ट है। तो ये अलग अलग नियोजन इकाई का नाम वाइज दे दिए गए, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरा जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए ये है आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर का पेपर कटिंग और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का एडिशन है, आज ही के डेट का यानी 14 अक्टूबर 2019 का अपडेट है ये, ठीक है।
और यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ ऊपर में लिखा गया है कि दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को आवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो है हमें कमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पे हमें जो है प्रमाण पत्र देना है कि नहीं, आवासीय प्रमाण पत्र देना है कि नहीं। और मेरा रिप्लाई जनरली यही होता था कि आप जो है अपने स्टेट का दे सकते हैं, जहाँ के निवासी वहाँ का दे सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली मेरा यही रिप्लाई होता था। और लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कमेंट करते हैं हमें कि हम जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और इस पर मैं स्पेशल वीडियो आप सभी को बना चुका हूं कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है, क्योंकि यहां पे अभी बिहार में डोमिसाइल नीति जो है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए लागू नहीं हुआ है। तो आप आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के कहीं से भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, कैसे यहाँ पर आवेदन पहुँच रहा है, ये सभी डिटेल हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा और इसे जूम करते हैं और फिर बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है झारखंड और यूपी के लोग भी बनेंगे सरकारी स्कूलों में शिक्षक। और यहाँ पे देखिए एक हाईलाइट है कि शिक्षक नियोजन में 100 से अधिक आवेदन झारखंड व उत्तर प्रदेश से। तो ये केवल मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का अपडेट है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूजन में है कि आवासीय मांगा जा रहा है, हम कैसे आवेदन करें। तो आपको बता दूं कि जहां पे आवासीय मांगा जा रहा है वहां पे वो नियोजन इकाई का गलती है। नियोजन इकाई को अच्छे से सभी गाइडलाइंस नहीं मिलने के कारण वो लोग अपने से फरमाइश और अपने से डिमांड करते रहते हैं, ठीक है। और अभी तक बता दूं कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए, और बाद में अगर लागू हो जाता है तो वो अलग बात है। खैर बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू होने का। और हम आप सभी को बता दूं कि जो रूल है और जो रेगुलेशन है वही अभी आपको अपडेट मैं प्रोवाइड कर रहता हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे किसी के पक्ष में बात कर रहा हूँ और ना ही किसी के मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सरकार को यहाँ पे जो यहाँ पे अदर स्टेट वाले जब एलिजिबल हैं तो सरकार को अच्छी खासी सीटें यहाँ पे निकालनी चाहिए थी। वैसे जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो जनरल के सीट पर ही आवेदन करेंगे, ये आप लोग गौर कीजिएगा। जनरल के सीट पर ही अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बात करें तो आपको जो सभी क्वालिफिकेशन और जो सभी योग्यता होनी चाहिए सीटेट वगैरह का, वो आपको जनरल का ही होना चाहिए, जनरल के टाइप का ही है, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी स्कूल में झारखंड व यूपी के लोग भी पढ़ाएंगे शिक्षक नियोजन में दूसरे प्रदेशों से सैकड़ों आवेदन आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा झारखंड व उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी बांग्ला शिक्षकों के लिए आवेदन आया है। तो ये जो अपडेट है केवल मुजफ्फरपुर का है, इसके अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन पहुंच रहा है। दूसरा पैरा में है कि डीपीओ स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि शिक्षक नियोजन में दूसरे प्रदेशों से भी आवेदन आ रहे हैं। हाई स्कूल व इंटर स्कूल के भी कई आवेदन बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के आए हैं। दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने फोन से सारी जानकारी लेकर आवेदन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, यानी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, तो उसका जरूरत ही क्यों है, ये आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। और आपको बता दूं यहीं पे मैं बता देता हूं आपको कि सभी टॉपिक से रिगार्डिंग जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप जो है मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, सभी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैं आप सभी को पिन कोड कैसे आपको निकालना है, क्या पता लिखना है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसा कुछ थंबनेल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ सभी वीडियो के, ताकि कैंडिडेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल वीडियो मैंने यहाँ पे बोला था अदर स्टेट वाले भी कर पाएंगे आवेदन, ये भी मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कमेंट करते हैं, तो पिछला वीडियोज भी विजिट करके देखा कीजिए। कमेंट्स करने से पहले एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए। और बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन से रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जिसमें सभी आपको प्राथमिक शिक्षक से रिगार्डिंग वीडियो उसमें देखने को मिल जाएगी। यही सब वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहाँ से सभी जो वीडियो है प्राथमिक शिक्षक नियोजन से रिगार्डिंग वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है उसको भी मैं लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा यहाँ पे एंड स्क्रीन पे वो आ जाएगा, वहाँ पर टाइप करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट्स करने से पहले पिछला सभी वीडियोज विजिट कर लीजिए। और वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैं 29 जिलों के रोस्टर से रिगार्डिंग अपडेट प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये जिला लेकर यानी बक्सर जिला को लेकर 29 जिलों के रिगार्डिंग रोस्टर प्रोवाइड करा चुका हूँ, और सभी अपडेट्स आपको मिलते रहता है इस चैनल पर।
ठीक है। और आते हैं यहाँ पे, देखिए कहाँ पर थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और आगे लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में ज्यादा आवेदन, लिखा गया है कि हाई स्कूल और प्लस टू से ज्यादा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में दूसरे प्रदेशों से आवेदन आए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रारंभिक में सीटें अधिक रहने के कारण दूसरे प्रदेशों से आवेदन आ रहे हैं। आवेदन लेकर अभ्यर्थी शिक्षा विभाग व नियोजन इकाइयों में पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है आवेदन को लेकर शिक्षा विभाग व नियोजन इकाइयों में भी पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है डाक के माध्यम से यानी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन को भेज रहे हैं। लेकिन आपको बतला दूं कि अगर आप डाक के द्वारा आवेदन भेजना चाहते हैं तो आपके लिए जो है स्पीड पोस्ट माध्यम सबसे सेफ है, और वहां पे आपको दो टिकट लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नियोजन इकाइयों द्वारा मांग किया जा रहा है, ठीक है। कुछ नियोजन इकाइयों में डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगा दीजिएगा, आपके लिए सही रहता है। आप 20-30 रुपये का टिकट अंदर वाले दोनों लिफाफे में आप लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बताया गया 9 तक करना है आवेदन, ये सभी को पता है कि आपको 9 तक आवेदन, 9 नवंबर लास्ट डेट कर दिया गया है, एक्सटेंड करके 9 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा गया कि शिक्षा विभाग सभी नियोजन इकाइयों में शिक्षक अभ्यर्थियों का आवेदन ले रहा है। बाहर के प्रदेशों से जो आवेदन आ रहे हैं, यूपी के बीएड कॉलेज से प्रशिक्षण की डिग्री अधिक है, हरियाणा से भी बीएड करने वाले छात्र पहुंचे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपी के बीएड करने वाले और साथ ही साथ हरियाणा से भी बीएड करने वाले छात्र वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है किस किस जगह से आए हैं आवेदन, गोरखपुर, बलिया, बनारस, देवरिया, कुशीनगर, और ये यूपी का एरिया है, और झारखंड में रांची, पलामू, साहेबगंज और गोड्डा से, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मिदनापुर, मालदा और दुर्गापुर से, ठीक है। तो यहाँ सबसे आवेदन आ रहा है, तो आप लोग बेफिक्र होकर अदर स्टेट वाले भी आवेदन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डोमेसाइल रूल अभी लागू नहीं हुआ है, और ये आपको कोई भी यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और ऊपर में लिखा गया शिक्षक नियोजन में 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की मॉनिटरिंग कमेटी में 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसकी जानकारी डीपीओ स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने दी। उन्होंने बताया कि अजय पटेल और उमेश कुमार को मॉनिटरिंग कमेटी में प्रतिनियुक्त किया गया है। दोनों शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन सभी पंचायतों में आने वाले नियोजन की संख्या लेकर उसे प्रखंड शिक्षा अधिकारी गायघाट को बताएंगे। इसके अलावा आवेदन लेने में आने वाली समस्या को भी बताएंगे। तो यहाँ पे 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है, ताकि दिन भर में जो भी आवेदन नियोजन इकाइयों में पहुंचे उसका मॉनिटरिंग करके प्रखंड शिक्षा अधिकारी को बताएं। तो ये सभी अपडेट है, और इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट देना था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।